श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मस्जिद अल हरम, मस्जिद नबवी पे हम लोगों ने पहले एक वीडियो बना ली है, तो आज हम देखते हैं कि 20 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मस्जिद अल हरम। तो मस्जिद अल हरम के बारे में वो अमेजिंग 20 अमेजिंग फैक्ट्स आज हम लोगों को जानने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ The world's most expensive building is the Masjid al-Haram। इस धरती पर बनी सबसे महंगी इमारत अगर कोई है तो वो है सऊदी अरब के मक्का शहर की Masjid al-Haram मस्जिद, जिस पर अब तक 100 बिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज उस जगह की बात होने वाली है जिसकी सिर्फ तस्वीर देखने से ही मुसलमानों की आंखें नम हो जाती हैं, जिसको अपनी आंखों से देखने की तमन्ना हर मुसलमान अपने दिल में संजोए बैठा है। ये वो जगह है जो दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। मस्जिद अल हरम अल्लाह का सबसे पाक और बाबरकत घर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चैलेंज रखते हैं। इस वीडियो पर 10 दिन के अंदर 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको पूरा करके दिखाना है। दोस्तों, मस्जिद अल हरम इस दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर इसे दोबारा तामीर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले यहाँ मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद सारी मूर्तियाँ तोड़कर खत्म कर दिया। बाद के वक्त में सहाबाओं और कई सुल्तानों ने वक्त के साथ मस्जिद अल हरम में कई बदलाव और तामीरात कराई। आज जितने एरिया में मस्जिद अल हरम है उतने एरिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का पूरा मक्का था। आज हरम शरीफ 4,800,000 स्क्वायर मीटर यानी 99 एकड़ में फैला है। मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ नॉर्मल दिनों में 15 लाख और हज के दिनों में 50 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। हरम शरीफ को दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत होने का शर्फ हासिल है। हरम शरीफ में इतनी भीड़ रहती है तो गंदगी भी बहुत होती होगी, है ना? गलत। हरम शरीफ दुनिया की सबसे साफ जगह है। यहाँ का सफाई मैनेजमेंट इतना शानदार है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगी। यहाँ 24 घंटे 1800 सफाई कर्मी लगातार सफाई करने में लगे रहते हैं। इतनी बड़ी जगह को सिर्फ आधे घंटे में साफ कर दिया जाता है। दिन में 4 मरतबा हरम शरीफ की सफाई की जाती है। सफाई कर्मचारियों के साथ सिर्फ सहन में ही 40 सफाई मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं। जिस पानी से सफाई की जाती है उसमें गुलाब की खुशबू मिलाई जाती है। यहाँ इतनी बारीकी से सफाई की जाती है कि आपको इस 99 एकड़ की इतनी बड़ी जगह में एक भी कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। पूरे हरम शरीफ में 2,000 कूड़ेदान रखे गए हैं। हरम शरीफ के वो कालीन जिन पर हर मुसलमान सजदे करना चाहता है, उन कालीनों की तादाद 40,000 है। अगर इन सभी कालीनों को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो ये लाइन मक्का से जद्दा तक पहुंच जाएगी और ये दूरी 79 किलोमीटर की बनती है। इन बाबरकत कालीनों को बड़ी अच्छी तरह से साफ किया जाता है। गुलाब और कई खुशबूदार इत्र इन कालीनों पर छिड़के जाते हैं। इन 40,000 कालीनों के अलावा 15,000 कालीन अलग से स्टोर किए जाते हैं और ये काम हर दिन किया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, आगे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आने बाकी हैं। मस्जिद अल हरम के तहखाने में 15,000 पब्लिक वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में गंदगी, बदबू वगैरह की चीजें आ गई होंगी, मगर आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि हरम शरीफ के वॉशरूम्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे वॉशरूम्स में गिने जाते हैं। ये इतने साफ होते हैं कि आपको यहाँ गंदगी तो दूर जरा सी बदबू भी महसूस नहीं होगी। इन वॉशरूम्स को दिन में 4 से 5 मरतबा साफ किया जाता है। यहाँ ऐसी मशीनें लगी होती हैं जो वॉशरूम्स की बदबू को खत्म करके खुशबू पैदा करती है। आपके बेडरूम से भी ज्यादा साफ और खुशबूदार होते हैं मस्जिद अल हरम के वॉशरूम्स। दोस्तों, काबा पर चढ़े इस काले कपड़े पर आपने कभी गौर किया है?
यकीन मानिए इस कपड़े की हिस्ट्री और इसके फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। इस कपड़े को किसवा कहते हैं। इस पर 15 किलो प्योर 24 कैरेट सोने के धागे से कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। 670 किलो प्योर रेशम का बना होता है ये कपड़ा, जिसे गिलाफे काबा भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं गिलाफे काबा के फैक्ट्स पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में #किसवायस लिख दीजिए बस। हरम शरीफ में 15,000 से 20,000 व्हीलचेयर्स रखी होती हैं, जिनका इस्तेमाल बूढ़े या बीमार लोगों के लिए तवाफ के लिए किया जाता है। यहाँ एक अलग से टीम है जो बूढ़े या बीमार लोगों को फ्री में तवाफ कराते हैं और ये 24 घंटे काम करते हैं। 400 बरकी व्हीलचेयर्स भी मौजूद हैं। मस्जिदुल हरम में 210 बड़े बड़े दरवाजे हैं और हर दरवाजे का नाम किसी मशहूर हस्ती यानी सहाबा या किसी इमाम के नाम पर होता है। इन बड़े बड़े दरवाजों में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि आप इनको एक हाथ से खोल और बंद कर सकते हैं। 1908 में पहली बार हरम शरीफ में बिजली लगवाई गई थी। आज हरम शरीफ दुनिया की सबसे जगमगाती जगह है। यहाँ कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होता। यहाँ 1,20,000 बल्ब लगे हैं, कई हजार पंखे, कूलर और एसी लगे हुए हैं। मस्जिदुल हरम में लगे बड़े बड़े झूमरों की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। यहाँ सोने की परत चढ़े 304 झूमर लगे हैं, जो हरम शरीफ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हरम शरीफ में 9 मीनारे हैं, जिनकी ऊंचाई 89 मीटर यानी 292 फीट तक है। दोस्तों, सऊदी अरब एक पहाड़ी और रेगिस्तानी देश है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक की जानलेवा गर्मी पड़ती है। मगर कभी आपने सोचा है कि हरम शरीफ में इस गर्मी से कैसे निपटा जाता है? हरम शरीफ में तापमान जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर जाता है, तो यहाँ लगे 500 मिस्ट फैंस अपने आप चालू हो जाते हैं। इन पंखों में से हवा के साथ ठंडे पानी की बौछारें निकलती हैं, जिनसे वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। हरम शरीफ का ठंडा फर्श तो पूरी दुनिया में मशहूर है। फर्श में लगे पत्थर यूनान से मंगाए जाते हैं। ये पत्थर रोशनी और गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे फर्श गर्म ना होकर ठंडा रहता है। हरम शरीफ के तहखाने में 32 DX टाइप के सैकड़ों ऐसे कूलर्स लगे हैं, जिनकी वजह से पूरे हरम शरीफ का वातावरण ठंडा और सुहावना रहता है। दुनिया का सबसे साफ और पाक पानी हरम शरीफ में मौजूद है, जिसे हम जमजम कहते हैं। जमजम का कुआं काबे से सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है। जमजम कुएं से 4 किलोमीटर दूर अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स तक एक पाइपलाइन के जरिए जमजम पानी अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है और वहां ऑटोमेटिक फैक्ट्री के जरिए जमजम पानी को बोतलों में भरा जाता है। इन बोतलों को फ्री में जायरीन में तकसीम किया जाता है। यहाँ तक कि 17 लाख बोतलें हर रोज एक्स्ट्रा स्टोर की जाती हैं। इसके अलावा 25,000 छोटे कूलरों में भी जमजम पानी भरकर रखा जाता है, ताकि लोग इस बाबरकत पानी से अपनी प्यास बुझा सकें। अल्लाह की कुदरत देखी, हर रोज इतना पानी खर्च होने के बाद भी आज तक जमजम पानी खत्म नहीं हुआ। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके दिल में हरम शरीफ की मोहब्बत कूट कूट कर भरी पड़ी है। अल्लाह हम सबको अपने घर की जियारत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हरम शरीफ में छोटी से छोटी चालाकी की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ कोने कोने में 5,000 सिक्योरिटी कैमराज लगे हैं। इन कैमरों को संभालने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ से पूरे हरम शरीफ पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा हरम शरीफ में कई हजार पुलिसकर्मी हरम शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम अगर कहीं है, तो वो मस्जिदुल हरम में है। अजान हो, नमाज हो या खुतबा हो, आप जब सुनोगे तो यकीन मानिए आप कह नहीं सकोगे कि ये आवाजें स्पीकर्स में से आ रही हैं। इतना रियल साउंड होता है। पूरे हरम शरीफ में 4 अलग अलग साउंड सिस्टम लगे हैं और तकरीबन 6,000 स्पीकर्स हैं, जिनका मैनेजमेंट 50 लोगों की एक टीम द्वारा किया जाता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ का मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि हज के वक्त यहाँ 50 से 60 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को भी न रहने ठहरने की दिक्कत, न खाने पीने की, न यहाँ कोई गुम होता है, न ही कोई गड़बड़ होती है। यहाँ हाजियों की हर सहूलियत का ख्याल रखा जाता है। हरम शरीफ में
हर देश से अलग अलग जुबान बोलने वाले मुसलमान आते हैं, लिहाजा यहाँ 65 जुबानों में कुरान मजीद रखी जाती है। रमजान के महीने में लाखों लोग हरम शरीफ में रोजाना इफ्तार करते हैं। यहाँ 10 लाख खजूरें, कई टन फ्रूट्स और पानी मुहैया कराया जाता है। इतनी भीड़ होने के बाद भी सिर्फ 5 मिनट में पूरे हरम शरीफ को साफ कर दिया जाता है, कहिए माशाल्लाह। हरम शरीफ में 4 फ्लोर्स हैं, जिनका इस्तेमाल तवाफ करने के लिए किया जाता है। हरम शरीफ की खास चीजों में काबा शरीफ, हजरे असवद, मकाम इब्राहिम, सफा मरवा पहाड़ वगैरह हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर फैक्ट्स वीडियो बनानी है तो कमेंट जरूर करें। यकीन मानिए 24 घंटे भी बोलता रहूं तो भी हरम शरीफ की शान की तज़किरे बयान नहीं कर पाऊंगा। यकीनन इस वीडियो से पहले मस्जिदुल हरम के बारे में इतनी जानकारी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। देखते हैं मुसलमान हरम शरीफ की वीडियो पर लाइक करते हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। शुक्रिया। तो इतनी बड़ी मस्जिद की टेक केयर करना वाकई बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज इतने सारे लोग, जैसे कि हज के टाइम पे 50,000 उन्होंने मेंशन किया था कि पर डे लोग वहाँ पर आते हैं। इतने से सारे लोगों के बीच में ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे लोग गंद ना फैलाएं या वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, कहीं पर अगर मीन्स अगर हम बोले कि 1,000 या 2,000 लोग भी आ जाएं, मतलब बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा, और वहाँ पे वॉशरूम्स को तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि इतने ज़्यादा क्लीन हो। फ्रेग्रेंस की बात तो बहुत दूर की बात है कि हम लोग तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वॉशरूम्स क्लीन होंगे। अगर हम वॉश बेसिन की भी बात करें तो वहाँ पर भी जब लोग हैंड वॉश करते हैं या फेस वॉश करने के लिए जाते हैं, तो अगर वहाँ पर लिक्विड सोप भी रखा हुआ है, उसमें भी लोग जब उसे आजकल तो ऑटोमेटिक होते हैं, तो बस यू जस्ट नीड टू पुट योर हैंड अंडरनीथ और वो आपके हाथ में आ जाता है लिक्विड सोप। बट उसके बाद भी वो जो बाकी एक्स्ट्रा ड्रॉप्स होती हैं नीचे गिर जाती हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद अगर मैं बोलूँ कि 1,000 लोगों ने भी ऐसे ही किया, तो वो थोड़ा थोड़ी ड्रॉप्स जाके भी वहाँ पे इतना सारा मैसी हो जाता है वो पूरा वॉश बेसिन, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। बट मस्जिद अल हरम में ऐसा नहीं है, वहाँ पर मीन्स ऐसी उन्होंने मशीन्स भी लगाई हैं जिससे कि आपकी वो जो स्मेल होती है वो उसको हटा के एक फ्रेग्रेंस आपके पूरे वॉशरूम में आ जाता है। इस वीडियो में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इतने क्लीन तो आपके बेडरूम्स भी नहीं होंगे जितने वहाँ के बाथरूम क्लीन हैं, तो फिर ये अपने आप में ही एक हम बोल सकते हैं कि हिंट है कि मतलब हम सोच सकते हैं कि कितना क्लीन होगा। तो बाहर जो है ऑब्वियसली लोग भी वहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करते होंगे कि वो कुछ भी रैपर है या उनके पास कुछ भी चीज़ है वो यहाँ वहाँ नहीं फेंके, प्रॉपरली उसे जाके डस्टबिन में ही फेंक किया है, क्योंकि 2,000 वहाँ पे डस्टबिन भी रखे हुए हैं। इट मीन्स कि ईच एंड एवरी कॉर्नर पे रखे होंगे ताकि अगर लोगों के पास कुछ है तो उन्हें दूर तक ना चल के जाना पड़े या दूर जाने के चक्कर में वो यहाँ वहाँ ही ना फेंक दें, वो इमीडिएटली वहाँ पे जाके थ्रो करके आए। उसके बाद में उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी इतना अच्छा है कि सब लोगों के खाने पीने रहने की पूरे अच्छे से वो लोग अरेंजमेंट करते हैं। और जमजम का पानी तो हमेशा से ही मुझे अमेज़ करता है, क्योंकि जमजम का पानी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डेली निकलता है। जैसे हमने देखा था वो एक्स्ट्रा बॉटल्स भी वहाँ पे जो स्टोर करके रखते हैं, उसके अलावा डेली इतने लोगों को वो पानी देते हैं, और फिर भी वो जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ हम देखते हैं ना कि हम सबको बताया कि ये बोला जाता है कि कुछ सालों के बाद पानी इस दुनिया से हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के कंज्यूम करना चाहिए, पानी का टैब हमेशा प्रॉपरली बंद करके रखना चाहिए ताकि वो वाटर ऐसे ड्रिप ना करता रहे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो जमजम का पानी है वो इतने सालों से इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में निकल रहा है, बट उसका वो वाटर लेवल नीचे नहीं गया, एज इट इज़ मेंटेन है वो। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है। और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैंने देखा है एनालिटिक्स में कि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट शायद आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और आप वो वाली वीडियो भी मिस नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। बाय बाय।